खबर आजमगढ़ से है, जहां आज आजमगढ़ का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया है। वर्तमान समय में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कड़ाके की ठंड से लोग सुबह से शाम तक घरों में दुबके रहते हैं तथा कुछ लोग अपनी रोजी रोटी के लिए सुबह से शाम तक मेहनत कस काम करके 2 जून की रोटी के लिए घर से बाहर निकलते हैं, जिनके दांत बचते रहते हैं और हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं। इस स्थिति में लोगों को एकमात्र सहारा अलाव रहता है, जहां पर ज्यादातर लोग परेशान होते हैं तथा सभी लोग रुक कर ठंड से राहत पाने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। इस स्थिति को देखते हुए जय बजरंग अखाड़ा चढ़ाई पर क्षेत्र की ग्रामीण जनता तथा राहगीरों के लिए अलाव की व्यवस्था बाबू केदारनाथ जनसेवा संस्थान द्वारा किया जाता है। यहाँ पर सुबह से शाम तक प्रतिदिन अलाव जलता रहता है तथा लोगों को ठंड से राहत मिलती रहती है। जय बजरंग अखाड़ा चढ़ाई पर थोड़ा सा ठंड कम होने पर बाबू केदारनाथ जनसेवा संस्थान द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन होना सुनिश्चित किया गया, जिसकी जानकारी अगले सप्ताह में तिथिवार दी जाएगी। जय बजरंग अखाड़ा चढ़ाई का आधारशिला पूर्व आजमगढ़ केसरी स्वर्ग के खरपत्तू पहलवान ने आज से लगभग 50 वर्ष पहले किए थे। यह एक ऐसा स्थान है जहां पर समाज हित के लिए समय समय पर छोटी बड़ी तमाम निःशुल्क योजनाओं का कार्यक्रम अक्सर समय समय पर होता रहता है। यहां पर कुश्ती, दौड़, कबड्डी आदि खेलों का प्रशिक्षण वर्ष भर दिया जाता है तथा समय समय पर छोटी बड़ी प्रतियोगिताओं को करवा कर बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए तथा एक रूपता को कायम रखने के लिए क्षेत्र के सभी लोग लगे रहते हैं तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी लोग सहयोग भी करते हैं।